बसमरिम असल मैं हूं आपकी मेज़बान आसिफ सबसे पहले जो मेरे हाजरीन और नाजरीन हैं उन सब को नया साल बहुत बहुत मुबारक अल्लाह से दुआ है दो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में हम दाखिल हो चुके दो हज़ार बीस जो है उसमें हमने कई परेशानियों को फ़ेस किया जैसे आलमी वबा करोना वायरस जो है उससे हम कई नुकसान हमने जो है सहे और बहुत ज़्यादा जो है हमने परेशानियाँ फ़ेस किया अगर मैं बात करूँ मुाशी सूरत हाल की तो उस पर उस पर भी हम काफ़ी वीक रहे और जो है वायरस के जैसे में कई जारी नुकसान हमने जो है आ आ उनका नज़ारा नजार नजराना दिया बात यह है कि नाजरीन एक नया साल जो जुमे के दिन से उसका आगाज़ हुआ है 2021 में 2021 में हम दाखिल हो चुके हैं तो जुम्मे के बाबरकत दिन से जो उसका अख्ताम भी और जुम्मे के बाबरकत दिन से उसका आगाज़ भी और एक नई सुबह के साथ जो है हम आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जुमे के बाबरकत दिन से उम्मीद करती हूँ ये जो जुमे का दिन है बाबरकत दिन हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई या जो भी है उन सबको जो है ये उन सब के लिए बहुत ही बाबरकत दिन जो है ये साबित हो मैं अगर बात करूँ फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी काफ़ी जो है आ, मुतासर हुई है और कई शोबे जो है जितने हमारे और शोबेजात है उसमें भी जो है काफ़ी नुकसान फेस करना पड़ा है और इसी तरह जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से हमारा पूरा जो मुल्क है वो लॉकडाउन की एक सूरत हाल क्रिएट हो गई थी एक एमरजेंसी की सूरत हाल आ चुकी थी जिस पे जो है कारोबार कारोबारी लोग जो है डेलीविजन वाले जो लोग हैं उनको भी कितना नुकसान फेस करना पड़ा मैं बात करूँ कि जिस तरह से हमारे जो फ़िल्मी सितारे हैं उनको वो अपने घर बैठ गए कई जो है परेशानी की वजह से जो है वो इंतकाल कर गए इस दो में जो है हमें कई हमें अपने सितारों को भी खोना पड़ा ऐसी मशहूर शख्सियात जिनसे जिनको हमें अलविदा कहना पड़ा दो हज़ार इक्कीस हमारे लिए कैसा साबित हुआ होगा हम उम्मीद करते हैं कि आज हम इस प्रोग्राम में जो है अपना जो है इसी 2021 के हवाले से हम बात करेंगे किस तरह के साबित दो हजार बीस जो है हमारे लिए कैसा रहा एक ब्रेक के बाद ब्रेक से वापस आएंगे हमारे पास गेस्ट होंगे उनसे हम गुफ्तु का जारी रखेंगे हमारे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद वापस आते वेलकम बैक नाजरीन जैसे मैंने जिक्र किया 2020 से हम 2021 में आ चुके हैं ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा 2020 हमारे लिए कैसा था हम इसी पे बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यासबीन सुल्ताना फारूकी डीएन मेडिकल मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट एलबा यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है वैसे ये कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है अपने एज आक्चरार जो है अपना अप, अप, अपनी खदमा अंजाम दे चुकी हैं मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करूँगी नया साल हमारे लिए कैसा है आप, आपको तो पहले बहुत बहुत मुबारक हो नया साल की दो हज़ार इक्कीस में हम दाखिल हो चुके हैं दो हज़ार बीस हमारे लिए कैसा रहा कोरोना की वबा से हमने एक बहुत ही बड़ा जो है हमने एक बहुत नुकसान फेस किया सेकेंड हेस्पैर में आ चुके हैं आप बताएं आप कैसे देख रही है अब दो हज़ार इक्कीस और आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो अल्लाह करे कि ये साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियों और कामयाबियों का साल साबित हो क्योंकि 2020 में हमने वो कुछ देखा जो हमारे वहमोग गमान में भी नहीं था हमारे तस्वुर में भी नहीं था इस क़दर एक छोटे से वायरस ने जो नवंबर में चाइना से शुरू हुआ और उसने पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचा दी कि दुनिया बिल्कुल बंद हो गई ना आप ट्रैवल कर सकते थे ना ही कोई किसी से मिल सकता था सब कुछ होते हुए भी हम घरों में रहे इवन अपने रिलेटिव्स के पास भी जाते हुए डर होता था कि कहीं कोरोना हमें ना लग जाए तो ये इस तरह का साल साबित हुआ कि सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल बंद होकर रह गए इंटरेक्शन ख़त्म हो गया ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई सब कुछ ख़त्म हो गया और फिर तालीमी इदारे भी बंद हो गए बिल्कुल क्योंकि क्योंकि यूनिवर्सिटी से भी आपका ताल्लुक है आप वहाँ पे जो है डीन डीन है तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तालीम कितनी नुकसान उसको फेस करना पड़ा हमारे जो बच्चे स्कूल्स के जो बच्चे हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के उनको कितना ज़्यादा जो जा है तालीम से वो मुतासर हुआ घर बैठना पड़ा ऑनलाइन का सिस्टम आपकी नज़र में कैसा है आपने बहुत सारे सवाल आप इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सबको <laughs> कवर करने बड़ की, बड़ की। बेसिकली देखें जाहिर है कि जब सब कुछ बंद हो गया स्कूल्स बंद हो गए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन से है तो मैं उस पर ही ज़्यादा बात करूँगी कि जब सब कुछ बंद हो जाता है तो आपके पास क्या कोई ऑप्शन रह जाता है कि आप कंप्यूटर के ज़रिए ही तालीम दें जो कि डिस्टेंट लर्निंग कहलाती है तो यहाँ पे भी यही हुआ दुनिया के दूसरे की तरह कि हमने कंप्यूटर के ज़रिए तालीम देनी शुरू की जिसको हम ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं लेकिन ज़ाहिर है जो बात फिज़िकल क्लासेस में या सामने बैठ तालीम देने में होती है वैसी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकती जब हम सामने बैठकर स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते क्लास रूम में तो वो इंटरैक्टिव क्लासेज होती हैं बच्चे अपने ख्याल का इजहार करते हैं कोई सवाल होते हैं उनके जहन में वो पूछते हैं टीचर को भी पता होता है कि कौन सा बच्चा दिलचस्पी ले रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज जेस्टर्स पोस्चर्स सब बता रहे होते हैं कि भाई इसका जहन कहाँ है आ, अटेंटिव है कि नहीं है ऑनलाइन okay. में आपको ये सब कुछ तो नहीं होता और फिर जाहिर है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये एक डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान कोई डेवलप्ड या तरक्याफ़्ता मुल्क तो है नहीं तो हमारे पास वैसे ही बीस मिलियन बच्चे ट्वेंटी मिलियन स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इतने सारे जहाँ पे बच्चे स्कूल ही ना जाते हों जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना लो हो जहाँ पे वन थर्ड आपके आ, जो आ, आबादी जो है बच्चों की उनको जो इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो एक्टली exactly, जहाँ हाँ. पे वाले जो है कंप्यूटर अफोर्ड ना कर सकते हो और जहाँ पे एफर्स करें जहां अफोर्ड कर भी सकते हैं अगर उनके हमें दो तीन कंप्यूटर हैं या एक कंप्यूटर है दो तीन स्मार्टफोन है और बच्चे पांच हैं तो तो अब बच्चों की एक ही वक्त क्लास है आप क्या पांच बिल्कुल दूर हो गए इस तरह से एक बहुत बड़ा बच्चों की, बड़ी बच्चों की तादाद जो है वो ताली लेने की सहूलत से महरूम हो गई तो पाकिस्तान में तो बहुत बुरा हाल हुआ जैसे कि दुनिया के कम तरक्याफ्ता ममालिक होता है एडवांस कंट्रीज़ में ये होता है कि वो लोग टेक्नोलॉजिकली हाई होते हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती उनके पास सौ फीसद लिटरेसी रेट होता है हमारे पास तो इनमें से कोई भी चीज़ थी ही नहीं हमारे पास तालीम को कभी तर्जी के तौर पर लिया ही नहीं गया कभी टू परसेंट कभी वन पॉइंट फाइव इस इतना तो हमारा बजट रखा जाता है तो जब इतनी कम तालीम की आपकी तरजीहत में से हो तो उस मुल्क में जब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो ऑनलाइन क्लासेस हो तो बिल्कुल ही फिफ्टी परसेंट रह जाता है तो मेरे हिसाब से तो ये कोई बहुत अच्छा वो नहीं रहा साल जैसे दूसरे शोबों में बहुत ज़्यादा हम नीचे आए हैं इकानमी में और दूसरी चीज़ों में ताली में भी बहुत बुरा हाल हुआ है बिल्कुल क्योंकि अब सेकेंड वेव आ चुका है कोरोना वायरस का और सुनने तो में यही आ रहा है कि अब जो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई है वो पहले से ज़्यादा नुकसानदेह और बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो 2021 का आज हमारी पहली सुबह है हम दो में दाखिल हो चुके हैं और आपको क्या लगता है जैसे पिछले सात महीने से जो है हम एक एमरजेंसी की सिचुएशन में रहे तालीमी इदारे बंद रहे बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन का बहुत उनको नुकसान फेस करना पड़ा तो क्या दो में भी ये सब चीजें हो, होने का इम्कान है देखिए एक बात तो ये है कि पाकिस्तान में यकसा ताली निज़ाम नहीं है जिनके पास पैसे हैं वो आ, इंटरनेशनली तालीम हासिल करते हैं दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं और जो यहाँ पे लोग हैं जो हाई क्लास से हैं वो कॉन्वेंट और इस तरह के अच्छे स्कूलों में जाते हैं उसके बाद कुछ प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में एक मदरसे का पैराल निज़ाम है तालीम का तो हमारे पास तो यसा तालीमी निज़ाम ही नहीं है इसलिए यकसा मौाक़ भी नहीं है बच्चों के पास तो इसी लिए जो है हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज ही नहीं थी ना अब हमें तीन चीज़ों पर तोज् देनी है जब आपने ऑनलाइन क्लासेस करवा ही दी हैं और पिछले मार्च से ये सब सिलसिला शुरू हो गया है लॉकडाउन का ऑनलाइन क्लासेस का तो हमें ये देखना होगा कि अब बच्चों के बच्चे

कि सबसे पहले इस बात पर तवज्जो दिया जाए कि हमारा जो करिकुलम है हमारा जो निसाब है उसको नए तरीके से डिजाइन करने की जरूरत है और उसमें हुकूमत को मेरा ख्याल है हंगामी तौर पर इनिशियटिव लेने चाहिए कि वो उन चीज़ों की बराबरी पर आए ताकि हमारे बच्चे बोले और दूसरा ये कि अब मुझे लगता है कि आगे भी 2021 में भी ऑनलाइन क्लासेस ही ज्यादा होंगी बेशक ये सब कुछ खत्म हो जाए स्कूल खुल जाए फिर भी कोरोना हमारा इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ेगा वो अभी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला मेरा ख्याल है चलता ही रहेगा जो कि बहरहाल तलीम के हिसाब से कोई बहुत अच्छा पाकिस्तान के पस मंजर में अच्छा नहीं है तरीका लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगी कि करिकुलम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन या टेक्नोलॉजिकली ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत है ताकि वो मज़ीद अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सके ऑनलाइन और तीसरा ये है कि हमें आ, जो कॉन्टेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा अपना लोकल बिल्कुल ठीक है अगर खुदा ख्वास्त ख़ ख़ुदा ख्वास्तव यह इसी तरह से सुलसा रहा तो हमारा तालीम की वजह से हमारे पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है नुकसान से मुराद ये है कि ज़ाहिर तालीम जो है वो किसी भी मुल्क की एक बैकबोन होती है जिस मुल्क के लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता है उनकी फ़िक्री सतह बुलंद होती है वो चीज़ों को समझते हैं उनके अंदर अवेयरनेस होती है अंडरस्टैंडिंग होती है ये तालीम की कमी तो है जो हमें माशरे में इंटॉलरेंस नज़र आती है अगर तालीम नहीं होगी तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे पहले ही हमारा तालीम का ग्राफ कोई बहुत ऊंचा नहीं है सही तो जाहिर सी बात है कि ये तो बहुत मैंने पहले भी जैसे कहा कि इमरजेंसी इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है इसमें तो बिल्कुल क्योंकि इमरान खान साहब ने वैसे भी कहा कि घबराना है नहीं है तो घबराने के लिए काम कर रहे हैं आप देखें कि अगर सिचुएशन में हम घबराएंगे नहीं तो क्या करेंगे बिल्कुल आपने ठीक कहा जैसे कि बच्चे जो है उस तरह के ध्यान नहीं दे पा रहे अपनी तालीम के ऊपर क्योंकि ऑनलाइन जो है वाले भी कब तक अपने बच्चों के ऊपर तोज्जा देंगे दस मामलात होते हैं और आज के दौर में तो हर बंदा हर पेरेंट इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तो वो भी अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे या अपने अपने घर को चलाए एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो चुकी है क्योंकि इस महंगाई के दौर में हर शख्स चाहता है कि खुद घर का जो है वो कफालत करें तो बात यह है कि बच्चों के ऊपर तोज्जो इस तरह की नहीं रही है वालदे की ना तो अगर हम बात करें एजुकेशन की ऑनलाइन तो वो मेरे मेरी भी नज़र में क्योंकि मेरी भी छोटी बहन है उसको भी अगर मैं बोलती हूँ तुम पढ़ लो तो वो यूट्यूब या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम में मसरूफ़ मुझे मिलती हैं तो उस तरह से तवज्जो नहीं रही है बच्चों की अगर रेगुलर क्लासेस होती जैसे अच्छा वैसे कहा गया है कि रेगुलर क्लासेस हफ़्ते में एक दफ़ा हो, होती है तो ये बात सही है रेगुलर uh, में कुछ ऐसे सब्जेक्ट में कभी कभी स्टूडेंट्स को बुलवा लेते हैं लेकिन नॉर्मली ऑनलाइन ही हो रही है और जैसे अभी आपने कहा ना कि छोटी बहन है और वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम लेके बैठ जाती है तो अब आप ये देखिए कि जिस टेक्नोलॉजी से हम अपने घरों के बच्चों को दूर करते थे मोबाइल इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुँ करना हुँ है आई पैड पर हर वक्त नहीं बैठे रहना है और ये उल्टी सीधी नहीं देखनी है आज हम वही टेक्नोलॉजी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये है इस पे आपको पढ़ना है अब आप कितना चेक रखेंगे बच्चों के ऊपर बिल्कुल हो जाते ठीक कह रही हैं आप अच्छा आ, ये जो आ, हफ्ते में एक क्लासेस का जो एक क्लास का कहा गया है तो क्या उसमें जितने भी तमाम जो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वहाँ पे आ, वो आ, सभी आते हैं या फिर आप लोग कुछ कुछ करके आप लोग शिफ्ट वाइज आप लोग करते हैं उनको बुलाते हैं बिल्कुल ठीक है हम शिफ्ट वाइज ही बुलाते हैं और जाहिर का ख्याल रखा जाता है तो स्टूडेंट्स की क्लास होती है वो और सेलेक्टेड कोर्सेज ऐसे कोर्सेज के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जो जरूरी है जिनको प्रैक्टिकली जैसे अब मैं मीडिया साइंस डिपार्टमेंट देखती हूँ उसकी चेयरपर्सन हूँ तो हमारे पास यही कोशिश होती है कि जो उस तरह के प्रैक्टिकल कोर्सेज हों जैसे एडिटिंग है इस तरह के कोर्सेज वगैरह हैं इनमें हम ज्यादा तोज्जो देते हैं जो बुलाकर बच्चों को करवाया जाता है प्रैक्टिकली काम सही जो थेटिकल uh, है वो फिर ऑनलाइन हो जाती हैं क्लासेस अच्छा जैसे क्योंकि 2021 में हम आ, 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 एंटर हो चुके हैं आज पहला दिन है तो उसी तरह के एस को फॉलो करने का कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई नए अहकाम जारी हुए नहीं अभी तो एस ओ पी तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि जब से लंदन वाली नई वेव आई है तो ज्यादा डेंजरस है जी, जी, जी। और इसके ज्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेस खुदा ना खास्ता हो सकता है तोहर एस ओ पीज तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और हमारे पास भी सोशल डिस्टेंसिंग और एस ओ पीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है सही लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है एक ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन जैसे मैंने जिक्र किया था दो हज़ार इक्कीस में हम दाखिल हो चुके हैं ये साल हमारे लिए कैसा साबित होगा हम इसी पर बात कर रहे हैं हमारे साथ आ, जो डी दी, डी एन मौजूद हैंमा यूनिवर्सिटी की डीन डीन मौजूद है यूनिवर्सिटी की हम क्योंकि हमने स्टूडेंट्स की बात कर ली हम बात करेंगे टीचर्स के हवाले से कि टीचर्स जो उनको किन किन मुश्किल का सामना फ़ेस करना पड़ रहा है क्योंकि अखराजात जो है ज़ाहिर सी बातें बढ़ चुके हैं और जो है तनख्वाहें महदूद हो चुकी हैं बल्कि और आपके ऊपर जो कॉलेज की अगर मैं बात की यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल टीचर्स की उनकी जो है तनख्वाएं इंक्रीज़ नहीं की जा रही हैं उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो चुका है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन्हें ऑनलाइन क्लासेस को भी देखना पड़ रहा है और अगर कोई स्टूडेंट कॉल करके उनसे पर्सनली टाइम लेना चाहे क्योंकि जाहिर सी बात है रेगुलर क्लासेस तो है नहीं तो वो कितना जो है अपने बच्चों को उससे दूर रहकर अपने स्टूडेंट्स को टाइम दे रही है हम इस पर भी बात करेंगे मैं चाहूँगी कि आप आज अपने टीचर्स के हवाले से बात करें एक तो बात यह है कि जहाँ ये कोरोना या ये कोविड की वजह से पूरे मुल्क की इकोनॉमी पे रिसेशन रेसे, आया आपको मैं बताती चलूँ कि सौ से ज्यादा दुनिया के सौ से ज्यादा तकरीबन 110 यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 110 से ज्यादा ममालिक में तालीमी इदारे बंद हो गए थे और एक अरब से ज़्यादा बच्चों की तलीम मुतासर हुई है तो पाकिस्तान में भी उन्हीं में इसी दुनिया का एक मुल्क यहाँ पे भी बुरा हाल हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास वसाइल इतने नहीं है और मसाइल ज्यादा है।, तो है कि जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए की भी डाउन साइजिंग हुई जब से ऑनलाइन वो हुआ तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं एक फर्क होता है देखें सरकारी इधारों में और प्राइवेट में गवर्नमेंट जॉब में लोग करना इसीलिए चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी होती है प्राइवेट इधारों में जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती कभी भी आपको कॉल आ जाती है तलवार लटकती रहती है कि कब आपको निकाल दिया जाएगा तो इसका मैं तो यही कहूँगी बिल्कुल ओपनली कि अनड्यू बेनिफिट प्राइवेट इदारों ने लिया है उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी शामिल है स्पेशली मैं स्कूल्स का कहूँगी क्योंकि मैं अपने घर में भी देखती हूँ घर के बाहर भी कोलीग्स के भी बच्चों के कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए वो लोग और बल्कि जहाँ चार टीचर्स पढ़ाया करते थे वहाँ से दो टीचर्स रख लिए गए और ओवरबर्डन टाइम का कोई इनके पास वो नहीं है अब 24 घंटे आप ऑन कॉल अवेलेबल रहें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो नहीं हो रहे फिर ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स की जान पे एक बनी हुई होती है अगर स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं रहा, तो वो भी टीचर्स की ज़िम्मेदारी में आ जाता है तो ये एक दो तरफ़ा होना चाहिए जहाँ टीचर्स अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं वहाँ वालदे का भी काम है कि वो उसको पूरी तरह से बच्चे पर तवज्जो दें कि वो उनके बच्चों की भी तो तालीम का एक uh, सवाल है ना अगर वो उस, उस तरह से इतना ईजी लेंगे बहुत सी दफा मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो है ऑन किया और इधर उधर चले गए और नहीं आप कैसे फिजिकली देख सकेंगे बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्शन खत्म हो जाता है आप कितने बच्चों को कैमरा लगा के देखेंगे उस वक्त ऑन कर लिया और दूसरी बात यह कि टीचर का जो एक स्ट्रिक्टनेस एक रोप जो होता है ना वो उस ऑनलाइन में उस तरह का नहीं रहता जो आप सामने जो बिठा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं उनको डांट सकते हैं तो वो एक उस तरह का नहीं अब रहा डांट और रोब को तो आप छोड़ें अब तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टीचर्स होते हैं बच्चों के साथ उनकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है उसके बावजूद भी वो इंटरेस्ट लेवल कम हुआ है बच्चों नहीं। नहीं। का एक ऑक्सफोर्ड या कोई ऐसी बड़ी एजुकेशनल uh, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी की जानब से रिजल्ट उनके शो किए गए तो फोर्टी टू फिफ्टी डिक्लाइन आया है परसेंटेज में वो एक बहुत बड़ा uh, लम्हा फिक्रिया था कि इतना कम हुआ बच्चों का लेवल पढ़ाई का जबकि ऐसी बात नहीं है कि टीचर्स तवज्जो नहीं देते सब तवज्जो देते हैं लेकिन बहरहाल वही इंटरेक्शन और आ, जो फिज़िकल क्लासेस की जो बात होती है वो ऑनलाइन में नहीं आ सकती बिल्कुल ठीक मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी मेरे प्रोग्राम में आपने टाइम दिया सुबह सुबह सर्दी में उठ के स्पेशली आप, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी नई नस्ल के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए स्पेशली मेरा तो एक ही पैगाम है कि जितनी तालीम जहाँ से मिल सकती है हमें उसे हासिल करना चाहिए अगर हमें एक अच्छा शहरी बनना है एक अच्छा इंसान बनना है एक अच्छा पाकिस्तानी बनना है तो आपको जो मौाक़ मैसर हैं कब हमने सोचा था कि ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए तालीम होगी लेकिन ये भी हो रहा है अब आगे जाने क्या हो कितना सख्त लॉकडाउन हो क्या, और हमें कितनी परेशानियों का खुदाना खासा सामना करना पड़े लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ है कि 2020 हमारे लिए आसानियां लेकर आए और कोविड से हमारी जान छूटे और रेगुलर क्लासेस शुरू हों, लेकिन मेरे बच्चों को उनके वालदेन को यही पैगाम है कि जो क्लासेस हो रही हैं दिलचस्पी से भरपूर तरीके से क्लासेस से फ़ायदा उठाए और रेगुलरली लें क्लासेस बिला वजह छुट्टी ना करें जो कुछ मिल रहा है उसी को बहुत ज़्यादा जाने थोड़े ऐसे पीस का खूस ख़्याल रखें बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप, आप, आपका आप, क्योंकि एक वक्फे की तरफ जाएंगे वक्फे के बाद हम आएंगे ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एजुकेशन में अपना बहुत नाम कमाया है बहुत ही मरूफ शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी अगर बात करूँ बिजनेस की तो बिजनेस में भी उन्होंने एक अपना बहुत ही नाम बनाया ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन जैसे मैंने जिक्र किया हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जिन्होंने तालीम के शोबे में अपना बहुत नाम बनाया बात करूँ बिजनेस की तो बेस कामयाबनस मैन भी रह चुके हैं मैं बात कर रही हूँ हरात नाकारी साहब की सर मैं खुश आपदीद कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ बुलाया और नए साल का पहला दिन है पहली सुबह है आपकी बदौलत मैं तमाम नाजरीन को तमाम पाकिस्तानियों को तमाम भाइयों दोस्तों को सबको बहनों को नया साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ थैंक यू अल्लाह करे जिस मुश्किल से हमने 2020 हज़ार बीस गुजारा है शुक्र है अल्लाह का ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलहमदिल्ला <laughs> इन शाला इंशाल्लाह और सबसे बड़ी बात जुम्मे का बाबर का दिन है जो मै की सुबह से हमने आगाज़ किया दो हज़ार नया नया साल दो हज़ार इक्कीस में हम दाखिल हो चुके हैं तो जिस तरह से आप देख लेंगे आज जुम्मे का बाबर का दिन है और पह, साल का पहला दिन है तो आप किस तरह से देख रहे हैं क्योंकि हमने एक अच्छा जो वैसे तो हम लोग अगर मैं बात करूं हमारा जो इस्लामिक डे इस्लामिक ईयर होता है वो तो मुहर्रम में ही हम लोग उसको मनाते हैं लेकिन अगर मैं अंग्रेज़ी कैलेंडर की बात करूं तो उसके हिसाब से तो हमारा पहला साल जो है आज के दिन से स्टार्ट हुआ यार वो भी बाबर के दिन के सर 2021 में हम 2020 से हमने क्या खोया क्या पाया मैं देखें 2020 में जो है आ, बहुत मुश्किल से लोगों ने आ, वक्त गुजारा हर आदमी को नुकसान हुआ बहुत सारे लोगों के प्यारे जो हैं वो अल्लाह के प्यारे हो गए और वो अभी उस गम से निकले ही नहीं थे कि कारोबार उनके तबाह हो गए दुकानें बंद हो गई लॉकडाउन हुए और जो बीमारी थी वो भी लाखों लोगों में इतनी ज़्यादा पेनफुल इतनी ज़्यादा तकलीफ दे थी कि हर आदमी ने जो है वो तोबा की सबको बताया कि भाई इससे बच जाओ ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो कल मैं म, मैं मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो देख रहा था उसको मैंने शेयर भी की अल्लाह ताला उनको सेहत दे वो भी अभी इस बीमारी से गुजरें अल्लाह उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे दोबारा से उनको ठीक करे लेकिन उनकी आवाज़ इतनी नाजुक थी और मेहनत कर रहे थे कि भाई आ, बच जाओ अभी भी बच जाओ क्योंकि अभी तक वैक्सीन जो है वो लगी नहीं है अभी तो शुरू हुई है सो मैं नहीं समझता हमने कुछ पाया इस साल में बहुत सारे प्यारे हमने खोए इस तो साल में अल्लाह ताला उन सबकी मफ़रत करे उनको जन्तुल्फरदस में अच्छा अला मुकाम दे और हमें ये तोफ़ी दे कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें अल्लाह से ताकि नए साल में वो हम पर रहम करे और हमें निकाले इस मुसीबत से बिल्कुल तालीम की बात करते तालीम कितने मुतासर हुई तालीम तो पूरी दुनिया में बहुत मुतासर हुई खास तौर पर पाकिस्तान में आपको बताऊँ वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वो चूँकि टेक्नोलॉजीज उनके पास थी पहले से ट्रेंड थे तो ऑनलाइन में फ़ौरन चले गए जो हमारा मुल्क है यहाँ पे हम लोग अभी टेक्न टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं है तो यहाँ पे मुश्किल आई चंद माह शुरू के तो बहुत मुश्किल आई बहुत लोगों ने चीखो पुकार की इस पर लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर लोगों ने सीख ली पढ़ाने वालों ने भी सीख ली पढ़ने वालों ने भी सीख ली, ली और इसका फ़ायदा होगा हमारे को हमारे मुल्क को होगा क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एक तो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट सेक्टर की हैवी फीस नंबर दो हमारा मुल्क जो है वो ये जो ब्रिक एंड मोटर की बिल्डिंगें होती हैं वो बना नहीं सका आज तक ना नंबर स्कूल्स बना सका है बच्चों की तादाद के हिसाब से ना उन एरियाज़ में पहुंच सका है नंबर तीन हमारे पास जो क्वालिफाइड टीचर है वो आ, दूर दराज एरियाज में जाता नहीं है वो सब शहरों की तरफ रुख करते हैं और वो जो गरीब लोग जो किसान जो हारी जो गांव देहात में जिनके बच्चों को गुर्बत से निकलना है उनको वो अच्छा टीचर में नहीं था, तो ऑनलाइन में ये स्ट्रेंथ है कि अच्छा टीचर जो है वो उन तक पहुँच सकेगा और वहाँ के लोकल टीचर अच्छे टीचर से फायदा उठा बिल्कुल ठीक है आपने लेकिन हुनैस आपने ये भी कहा आपका जो सेकंड पॉइंट था कि उसमें जो आ, आ, जो आ, पेरेंट्स जो है वो वालदेन जो फी, फीसेस सपोर्ट नहीं कर सकते भारी भरकम लेकिन आप ये देखें यहाँ पे तो अभी भी फीसेस ली जा रही है अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें वहाँ पर तो ऑनलाइन के लिए अगर आपने क्लासेस लेनी तो पहले स्कूल में फ़ीस पे करें उसके बाद आपको वो सहूलत में असर होगी देखिए आपकी बात जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है जैसा मैंने ये कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कल भी मैं बहरिया टाउन में था इकरा यूनिवर्सिटी के लॉन्च में तो वहाँ पे भी ज्यादातर लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि एक स्कूल है यहाँ पे और वो इतना महंगा है पच्चीस हजार रुपये महीने की फीस तो बहरिया टाउन में रहने वाला पच्चीस हजार रुपये फीस कैसे देगा सो so, कुछ लोग जो हैं वो ज्यादियाँ भी करते हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है पाँच हजार छः हजार फीस uh, जिन स्कूलों की है वो uh, उसमें एक रीजनेबल स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये बड़ा एहसान है उनका इस कॉम के ऊपर इस कॉम के बच्चों के ऊपर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी उनके साथ जो है वो करना चाहिए पाँच छः हजार रुपये में तो आजकल कुछ भी नहीं आता लोग एक वक्त का खाना खाने जाते हैं बाहर अपनी फैमिली के साथ तो उसमें पाँच छः हज़ार का बिल आ जाता है, है। एक डॉक्टर के पास एक इलाज के लिए जाते हैं तो पाँच छः हजार डायग्नोसिस में निकल जाता है तो तो ये तो बच्चे की तालीम का मामला है उसके फ्यूचर का मामला है टीचर को भी सैलरी देनी होती है किराए का मकान भी लेना होता है उसके अंदर फर्नीचर फिक्सर भी चाहिए होता है एडवर्टीजमेंट भी करनी होती है सो so, स्कूल्स उसमें हार्डली जो है शायद आ, चंद पैसे कमाते होंगे कोई स्कूल वाला ऐसा नहीं है जिसके पैलेसा सारे स्कूल खरीदे हों लंदन में जिसने जो है स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में पैसे रखे हों स्कूल वाले जो हैं ज़्यादातर वो मॉम्स हैं जो पढ़ी लिखी हैं और वो अपने मोहल्ले के बच्चों को थोड़ा और पढ़ाना चाहती हैं सो so, मैं तो कहता हूँ इस मुल्क में जो हालत है लिट्रेसी की आ, उसमें अगर कोई आदमी दरख्त के नीचे भी पढ़ा रहा है तो उसको भी हमें सर पर उठाना चाहिए और उसको जो है हीरो बनाना चाहिए कोरोना वायरस की हम सेकेंड वेव में आ चुके हैं जैसे कि अब आप अब देख ही रहे हैं आपको पता भी है कि पहले की जो बात और थी लेकिन अब जो स्पेल आया है वो काफ़ी डेंजरस है तो उसमें जो है एहतियात भी जाहिर सी बातें लाजमी है आप लोग एस पीस भी, भी फॉलो कर रहे होंगे आप लोगों ने पेरेंट्स को क्या रिलीफ दिया अपनी यूनिवर्सिटी के देखें मैं अगर सिर्फ अपनी जो मेरा छोटा मोटा एजुकेशन से ताल्लुक है मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो उसमें तो हमारा इस वबा के अंदर कंप्लीट अपनी कॉम अपने लोग अपने कस्टमर्स के साथ जो पेरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रवैया ये था कि बस गुजार लें इस साल को मिल के थोड़ा सा आप लोग भी सब्र करें थोड़ा सा हम लोग भी जो है तकलीफ बर्दा तो यही होता है जब इस तरह की वबाएँ आती हैं जब इस तरह की तकलीफें आती हैं तो सब ने मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़ना होता है कंधा देना होता है और निकल जाता है वक्त जो है वो हर मसले को हल कर देता है बिल्कुल ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स के लिए क्या रखी थी? मैं इंडिविजुअली अब हर पेरेंट का तो आपको uh, नहीं बता सकता लेकिन मेजॉरिटी uh, जो पेरेंट्स हैं वो अनएबल टू पे द फीस एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स Okay. तो हमने बहुत ही ईजी बहुत ही सिंपल बल्कि कुछ स्टूडेंट्स की ही एक कमेटी बना दी वही स्टूडेंट्स को डील कर रहे थे कर्ज हंसना भी बहुत ज्यादा बच्चों को दिया कि ठीक है बाद में कर लीजिएगा तालीम को जया ना करें वो पढ़ते रहें जो बच्चे नहीं दे सके उनको भी गुजारा किया okay. और चलाया आपने साथ सही, ये बहुत अच्छी बात हमारा है हमारा मकसद तालीम के शोबे में आ, जो है वो नेशन बिल्डिंग का है पूरी को को बच्चों को आगे ले जाना है तो उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम आ, जो बच्चा पैसे नहीं दे सकता इस बिना पे उसको दिया है सही बात है नहीं अच्छी, अच्छी, अच्छी बात है ज़ाहिर आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप ज़ाहिर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आपने एक सोच के क्या हम, हमारे मुल्क के बच्चे पढ़े लिखे और वो अब

बेसिकली उसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है अपना नौकरी छोड़ के कारोबार छोड़ के वहाँ पर जब बैठ जाए सुबह को जाए पैसे लगाए और शाम को पैसे लेकर आ जाए स्टॉक एक्सचेंज एक पूरी दुनिया में एक आ, जरिया है इंडस्ट्रीज के लिए बिजनेसेस के लिए टू रेज मनी इट्स अ ऑल्टरनेट वे कुछ लोग जाते हैं लोन लेते हैं कुछ लोग जाते हैं पार्टनरशिप करते हैं कुछ लोग जाते हैं अपने शेयर्स पब्लिक में देते हैं क्या हो हमारे पार्टनर बन जाओ मिलकर ये इंडस्ट्री बनाते स्टॉक एक्सचेंज जब तेज होती है तो बिजनेस के पास जरिया होता है पैसे रेस करने का इंडस्ट्रीज लगाने का बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने का और बहुत ज्यादा पैसा बहुत आसानी से बिजनेसमैन रेस कर सकता है दूसरा स्टॉक एक्सचेंज जो है आपकी इकोनमी का हाल बताती है जब स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है तो इसका मतलब आपके जो बिजनेस है जिन्होंने पैसा रेज किया, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अच्छे दे रहे हैं, दे रहे हैं तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब तो में ट्रांसलेट करती हैं अगर आप अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी निकालेंगे तो टेक्सटाइल वाले दबा के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दबा के जो है वो उसकी स्टॉक एक्सचेंज की जो ग्रोथ है वो नजर आएगी आपको मार्केट की और पता चलेगा कि अब टेक्सटाइल ऊपर जा रहा है अब एनर्जी सेक्टर ऊपर जा रहा है अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऊपर जा रहा है अब इंजीनियरिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है अब जो है वो सर्विसेज सेक्टर ऊपर जा रहा है अब आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है सो स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस मुल्क की परफॉर्मेंस को बताती है okay. और मैं इसको अभी थोड़ा सा अगर आप टाइम दें मुझे तो मैं थोड़ा सा, 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 सा कॉलर मौजूद है मैं कॉलर के बाद फिर आपकी बात आती हूँ असला कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं हेलो हेलो है आ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ सैयद मोहम्मद अशर जी 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 आपकी टीवी की आवाज मुझे वापस सारी याद आप उसको तो म्यूट कर लें प्लीज कराची से सैयद मोहम्मद अशर बात कर रहा हूँ जी 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 बोले आ, वो कहना ये है कि नाम है मैं भी जी 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 कही है आ, कहना ये है कि मैं भी कराची बोर्ड से मेरा रजिस्टर्ड हूँ मैं और असेसमेंट करता हूँ केमिस्ट्री में ठीक है और स्कूल से क्या नाम से ताल्लुक है अब यह रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया है प्राइवेट स्कूल ने मई तक की तनख्वाह दी और मतलब उन्होंने खुद ही हम लोगों को छुट्टी जबरदस्ती दे दी कि ना आए और यहाँ हमारे जिस स्कूल में मैं हूँ ये गुलिस्तान जौर टेक्ट स्कूल है तो उसमें क्या नाम है इकहत्तर टीचर हैं इकहत्तर में कोई भी मतलब रजिस्टर्ड बोर्ड का टीचर मेरे सेवा कोई नहीं है एक है जो प्रिंसिपल है लेकिन वो असेसमेंट नहीं करती है वो कॉपी चेक नहीं करती वाइज मैं हूँ जो क्या नाम है एक सौ साठ टीचर पूरे कराची में है के, से मैं और मैं ही करता हूँ और मेरा ये हाल है क्या नाम है मेरी सैलरी मई से उन्होंने स्कूल वालों ने रोक दिए और मई तक जो है वो भी काट के दे रहे थे लेकिन चलो खैर ठीक है दे तो रहे थे लेकिन अब कह रहे हैं कि अब आपको तो जब देंगे जब आप स्कूल आएंगे और जबकि मेरा इसमें क्या खुशी स्कूल जाऊं ना जाऊं वो तो उन्होंने खुद ही बंद किया हुआ है और वैसे ले रहे हैं बच्चों से, से तो लेते हैं लेकिन ये इस मसले पे भी थोड़ा सा वो कुछ नजरअसानी करे सैलरी के मामले में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए कम मिले बेशक और दूसरे ये क्या नाम है और या तो हमें बोर्ड आप में से कोई लेना चाहे तो मैं बोर्ड का मतलब परफेक्ट टीचर हूँ मतलब केमिस्ट्री है और तो मैं हाजिर हूँ आपकी के लिए और ये कहना या उनका स्कूल वगैरह को कुछ ठीक करें आप लोग ठीक है सही है थैंक यू सो मच थैंक यू जी बहुत अच्छी बात की इन्होंने ये परेशानी पूरे मुल्क के अंदर है एक पूरा एक सकल होता है इकानमी का आम, इनको देखिए इनको फीस जो आती है वो सैलरी उसी वक्त आती है जब बच्चों से फीस स्कूल में आती है वो फिर किराएदार को मकान का किराया देते हैं तो किराएदार अपना घर चलाता है वो अपने बच्चों की फीस देता है वो अपनी बेकरी से डबल रोटी खरीदता है फिर डबल रोटी बनाने वाला जो है वो सैलरी देता है बनाने वाले को तो एक पूरा सर्कल है का और वो सर्कल इस कोरोना की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ मैं दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज पर आ जाऊँगा अगर आप मुझे माफ़ मौका हम ये बता रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अक्कासी करता है कि इकानमी किस डायरेक्शन में जा रही है आपकी हुकूमत के जो फैसले हैं उसका असर बिजनसेस की बिजनेसिस की ग्रोथ पे पाकिस्तान के फ्यूचर पे क्या आ रहा है सो so, ओवरऑल जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जा रही है और जितने आ, सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो जिससे पाकिस्तान की मीशत चलती है चाहे वो एग्रीकल्चर हो हम लोग अभी तक एग्रीकल्चरल स्टेट हैं चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं चाहे वो लार्ज इंजीनियरिंग सेक्टर हो जिसमें हमारा काम वो सब ग्रोथ पर है और इतनी ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ है कि इस वक्त फैसलाबाद को आप देख लें कराची को देख लें बाकी जगह इंडस्ट्रीज में लेबर नहीं मिल रही शॉर्टेज हो गई है लेबर की तो so, लेबर की शॉर्टेज हो गई और ये सारे फैसले आप तमाम चेम्बर्स के प्रेसिडेंट्स, उनके लोगों से पता करें तो वो बताएँगे कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनस आर वेरी पॉजिटिव नाव कि पाकिस्तान सही राह पे आ गया है क्योंकि हुकूमत जो है वो उनके रिफंडस दे रही है एक्सपोर्टर्स को वो बिजली की नर जो है उनको कम कर दी है उनके रॉ मटेरियल सस्ते मिल रहे हैं जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हैं जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी ऐसी है कि लोग जो हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं उससे कई साठ सत्तर इंडस्ट्रीज चलेंगी जो सीमेंट सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी हैं उसकी लोकल खपत बहुत बड़ी है और वो इसीलिए बढ़ी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है कोरोना के दिनों में दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा जा रहा जैसा पाकिस्तान में देखा जा रहा है हर मुल्क रिसेशन में चला गया है पाकिस्तान माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, इस वबा के दौरान भी इस सैलाब के दौरान भी अल्लाह ने इस पर करम किया कि हम जो है अपनी मीशत को संभाले बैठे। बिल्कुल एक कॉलर है हमारे साथ कॉलर की बात मैं आपको वापस आऊँगी असलम वालेकोल रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से जी जी रियाज आपको नया साल बहुत मुबारक हो कैसे आ, आ, सबसे पहले आपको आपके प्रोग्राम की पूरी टीम को के ट्वेंटी और लेखानी साहब आपको 2021 का साल मुबारक हो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो 2020 में हमारे जो मसले मसाइल थे और जो बीमारियाँ थी जो परेशानियाँ थी स्टूडेंट्स को जिन, जिन को भी अल्लाह ताला इस 2021 में ना लेके आए और आपके चैनल के तौसल से आज जुम्मत मुबारक का दिन है तो हमारे एक क्रिकेटर है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जाफर कुरैी अस्पताल में एडमिट है तो आप लोगों से और जो जो इस आपका प्रोग्राम माशा बहुत देखा जाता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाफर कुरैशी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जो है करें जल्द से जल्द अजल्द करें करेंडली आप मैं आपसे जागरूक माशाला आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं लाखानी साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखें हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जी हम ये नहीं कहते हैं। हमारा किसी भी पार्टी से ताल्लुक को कोई बात नहीं लेकिन कहने का मकसद है कि आप लोगों को अल्लाह ताला जब आप लोग आए हैं और आपकी नीयतें अगर अच्छी है तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे 2021 में थर्डली है कि जी हमारे जो मॉडल कॉलोनी का जो मसला है आप माशा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे कराची में सेवरिश का तो मसला है लेकिन हमारी अगर मॉडल कॉलोनी का जो मेन लाइन है जो फाटक सौदा मॉडल कॉलोनी के मेन लाइन फाटक से लेके और अजीमपुरा तक अगर ये मरी नई लाइन बड़ी चौड़ी लाइन डाल दी डलवा दी जाए आप एमडी वाटर बोर्ड से कह के तो हमारा ये मसला जो मॉडल कॉलोनी में सैवरेज का है जगह जगह पानी खड़ा होता है तो ये लाखानी साहब आज अल्लाह तला ने के ट्वेंटी वन के तौसल से आपसे बात करा दी तो इसके लिए आप आज कह के जाए कि इनशाला आप कोशिश करेंगे और ये हमारा जो मॉडल कॉलोनी का सेवरेज का जरीना मसला है ये हल कराए क्योंकि इसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं और आज इतफाक से आप आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में जो है गवर्नर साहब से बात करें और इसको जरूर जो है मेंशन करें मैं रियाज खान मॉडल कॉलोनी कराची मॉडल कॉलोनी से बात कर रहा हूं और अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे मिलने के लिए आपको विजिट करा सकता हूं और आप वहां पे जो है कोशिश कर रहे हैं लोग ये नहीं कि नहीं हो रही लेकिन अगर ऊपर से एक बवा जाए मेन लाइन हमारी

उसके पास हज़ारों एम्प्लॉज हैं और वो उसका चेयरमैन जो है वो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं शहर के मेयर को नहीं बनने दूंगा मैं खुद अपने पास रखूंगा हुँ। पैसे हुँ। भी जो है वो उसको जो दिए वो पिल फ्रिज में जा रहे हैं और कराची का हर शहरी ये जानता है कि पानी के मसले में जो है वो आ, कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल नहीं हो रहा अच्छा ना पानी पानी ना है हुआ हुआ। रहे, रहे, सफाई हो गई और अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी आप लोग आए आपने क्या किया हमने आपको वोट दिया एम बना दिया एम बना दिया आपने क्या किया तो मैं इस आपके प्रोग्राम की तरफ से बताऊँ कि हम कोशिश तो करेंगे उधर चले भी जाएंगे उधर जाके एहतजाज भी कर लेंगे लेकिन एम एन ए के पास एम पी ए के पास ये इख्तियार नहीं है कि रोड सड़क बनाए इार नहीं है कि पानी बनाए ये एक सूबाई हुकूमत है अठारहवीं तरमीम के बाद चीफ मिनिस्टर के हाथ में फिर बल्दियाती निज़ाम है मेयर के पास होती हैं चीज़ें मेयर के चूंकि वो एम के एम से हैं तो पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने उसके इख्तियार बंद कर लिए अब फेडरल गवर्नमेंट जो पी टी आई के पास है तो पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट कहता है कि नहीं जी मैं उनको काम ना करने दूँ कहीं वो डिलीवर कर गए तो फिर और कराची के वोटर्स का तो वैसे भी उनका कोई लेना देना नहीं है तो वो कहते हैं हम क्यों काम करें कराची का पानी क्यों दें इनको पीने का हम पानी अपनी जमीन में देंगे अच्छा। सो तो इस तरह की हरकतें जो है प्लस करप्शन देखें अब मुझे पीटीआई हो कोई और पार्टी हो इससे हमें इंसानियत के लिए काम करना है ना भाई अपने मुल्क के लिए काम करना है अब हमारे यहाँ एक अजीब सी एक सोच आ गई है खाता है तो क्या हुआ खिलाता तो है खाता है तो क्या हुआ लगाता तो है अरे भाई मतलब खाता क्या खाता है रिश्वत खाता है रिश्वत क्या है ये जो सुअर का गोश्त खाते हैं ना उससे बदतरीन चीजें रिश्वत है ना ये भाई का गोश्त खाने के बराबर होता है इंसान का गोश्त खाने इसका मकसद ये कि किसी और का लुकमा जो है वो निकाल के अपने पेट में अपने बच्चों के पेट में डाल रहे हैं और हम कैसी नेशन है क्या हम कहते हैं जी कोई बात नहीं खाता है तो खिलाता भी है खाता है तो लगाता भी है मतलब इसमें अल्लाह का रहम नहीं आएगा अजाब आएगा इस सोच के ऊपर अपनी सोच तब्दील तब तब करनी होगी और और ये लोग जिनको हमने हुक्मरान बनाया भाई ये लालची लोग इन लोगों से जान छुड़ानी होगी तभी ये सारे मसाइल अब ये तो इन्होंने एक मॉडल कॉलोनी का जिक्र किया औरंगी टाउन चली जाए नॉर्थ ताज़माबाद नॉर्थ कराची लियारी गडाप जहाँ चली जाए यही हाल है सही और इंटीरियर में जाए तो और भी ज्यादा बुरा हाल पीने का पानी है इंजेक्शन लग रहे हैं एड्स हो रहे हैं मर रहे हैं सत्तर सत्तर नहीं है अनफॉर्चुनेट के अब नया साल आया है नई उम्मीद के साथ हर आदमी आज जागा है जुमे का दिन है जमात पे जाएंगे बहुत सारे लोग की आज दुआ करें अल्लाह हमें अपने अमाल ठीक करने की बाहर करें और खुद बाहर आए देखिए वबा के दौर में कितने सारे लोग आए मैंने देखा पूरे पूरे ब्रिज जो है हजारों लोगों को राशन दे रहे हैं लोग अपने पड़ोसियों को राशन दे रहे हैं खाना बना रहे हैं खाना खिला हर आदमी चाहता है खिदमत करना वो लोग आगे आए वो संभालेंग दो आ, बिल्कुल आपने ठीक कहा लेकिन उसके साथ साथ सेल्फीज भी लेके अफसोस की बात है कि आप अगर कोई तो मदद कर रहे हैं लेकिन आप उसको इस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं कि मदद भी आपकी हो रही है और आप जो अपने आप को जो है वो कर रहे हैं मतलब अजीब से सही शोरत सस्ती शहरत वाली बात है यह मैं आखिरी आपसे सवाल करूँगी दो हज़ार बीस पी टी आई के लिए कैसा रहा देखिए दो हजार बीस जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत खराब रहा लेकिन मुझे बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने बहुत करम किया आ, मुल्क का हुक्मरान जो है वो बदनीत नहीं है वो नेक आदमी है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता करप्ट नहीं है और जो फैसले किए एटलीस्ट लोगों को हौसला दिया लॉकडाउन की जो है मुखालफत की कारोबार को गिरने से बचाया थ्रू आउट ही कोशिश रही कि वबा से भी बचें और भूख अफलास और बेरोज़गारी से भी बचें और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी इसको पूरी दुनिया ने सराहा और आगे भी जो अभी मसला ख़त्म नहीं हुआ अभी भी हम बहुत ख़तरनाक मोड़ पे हैं आगे भी अगर हमने अपनी हिफाजत खुद कर ली थोड़ा बहुत हमने जिम्मेदारी का मुजहरा कर दिया तो आगे भी हम अगले दो तीन चार महीने में वैक्सीन ले आए लगा दें लोगों को अपने बुजुर्गों को सेफ कर लें अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को सेफ कर लें अपने अपने दुकानदारों को सेफ कर लें फिर उसके बाद अपने आ, बच्चों को सेफ करने इस पर टाइम लगेगा पाँच छः महीने और इस दौरान हमने बहुत जिम्मेदारी से काम लेना है हर आदमी का रोल है इसके अंदर ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है मेरा भी रोल है आप मीडिया पर्सन है आपने लोगों को समझाना है सुबह दोपहर शाम ये तब्ली समझाते तो रहते, रहते हैं बताते रहते हैं उस पीस किस तरह से फॉलो करें एहतियाती तो बायदा हम करते रहते हैं सर दो हज़ार इक्कीस पीटीआई के लिए शामिल होगा क्योंकि अब अख्ताम के अंदर हम जाएगी शॉट टाइम बहुत शॉर्ट है मैं तो इक्कीस के लिए भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जो है बरकत दे हमारे कामों में बरकत जो है वो इसी तरह आएगी कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो नेक नीति के साथ हों हर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रोथ पे जाएगा तो नौ नौकरियाँ जो है हर जगह मिलेंगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे तो नई फील्ड्स के अंदर नौकरियाँ मिलेंगी पाकिस्तान अब सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नहीं अब मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में मोबाइल फ़ोन्स के इलेक्ट्रिक कार्स के उन बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के उसमें जा रहा है ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा हमारी इकानमी के लिए इन फल नज़र आना शुरू होगा जब ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं इससे जो जिनको नौकरियाँ मिल रही हैं उनकी गुरबत में कमी हो उनकी आ, उनके उनके पास ज़्यादा पैसा हो खर्च के लिए हेल्थ केयर बेहतर हो एजुकेशन बेहतर हो और वो उसी सूरत होगा जब मुल्क ऊपर जाएगा इस साल आपको इन्शाला, इन्शाला क्योंकि हम एक आलमी वबा करोना गुजर रहे थे इमरान खान साहब को तकरीबन तीन, तीन साल होने को आ चुके हैं उन्होंने दावे वादे तो बहुत किए लेकिन एक वबा की वजह से काफी जहाँ पे तालीम उसी तरह इस तरह के काफ़ी दीगर और जात की अगर बात करें वो भी मुतासर हुआ है तो कसूर पी टी आई का भी नहीं है एक ये हमारी एक वबा है जिसकी वजह से जो है हमें काफी जो है मुश्किल फेस करनी पड़ी ऐसे ही साहब नहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त लगी हुई है कि जी जल्द से जल्द जो है हटा दिया जाए हुकूमत को और उन्होंने पीडीएम के नाम पे ज्वाइन भी किया पीडीएम कैसा रहेगा पीडीएम का बताएं देखिए ये जो इन्होंने पीडीएम क्या था पीडीएम तो ये था कि वो पहले गए एस्टेब्लिशमेंट के जी हुकूमत हटाओ अब इससे बड़ी बगावत क्या होगी कि आप, आप फौज को कह रहे हैं कि हुकूमत हटाओ खुद फौज को कह रहे हैं हुकूमत हटाओ ये बगावत नहीं है तो क्या है और बगावत हुई इनके अपने घर में फिर आवाम के पास गए उल्टी सीधी बातें की हमारी दफाही इधारों के खिलाफ फिर उसके बाद जगहों मुख्तलि ट्वीट किया टेर की तस्वीरों के साथ तो ये एक मुल्क दुश्मनी थी और इसमें इस सारे चोर लुटेरे जमा हुए और उन्होंने कहा कि हमारी चोरी बच जाए हमें नैब कुछ ना कहे कोई डील हमारे साथ कर लो एनआर ओ कर लो जब कुछ भी नहीं हुआ तो आपस में लड़ पड़े देखे कहाँ है बगावत तो मौलाना के घर में हो गई ना पीपल्स पार्टी भी हट गई ना उन्होंने कहा हम इस्तीफे नहीं देते हम तो सेनेट की सीटें खरीदेंगे बेचेंगे जो कारोबार है उनका वो करेंगे वो लोग और फिर ये जो नून है वो भी अबू बचाओ तहरीक पे चले कि चलो जी कम अज़ कम अबू को बचा लिया सो ये पी डी एम का मकसद अवाम की फलाह नहीं था मुल्क की फलाह नहीं था अगर होता तो वो इस तरह इस वबा के दौर में

लोगों के लिए जो इस वबा में मुबतला हैं बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए चंद महीने ख़तरनाक हैं ये हमें अल्लाह ताला जो है आ, निकाल दे हमारे लिए तो इन आगे ठीक होगा वैक्सीन आ जाए सब लोग लग जाएं लेकिन एहतियात करें आप सब मिल के एहतियात करें अपने अपने घरों में एहतियात करें जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ और बच्चों पर सख्ती से एहतियात करवाएँ जो दुकानदार है वो अपने कस्टमर्स से एहतियात करवाए जो मीडिया वाले हैं वो लोगों में ये फैलाए और ये पॉलिटिशन जो इस तरह के कॉमन सेंस की बात है जो इस तरह की हरकतें करते हैं लोगों को गुमराह करते हैं उनको बेनकाब करें और उनको अकल दे सही तरीके से उनको जो है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल थैंक यू सो मच सर एक वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन जैसे मैंने जिक्र किया एक से पहले कि हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद होंगे हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सईद खान ये इंचार्ज हैं कोविड टेस्टिंग डाओ लैब से इनका ताल्लुक है सर मैं खुश आमदीद कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में आए करोना वायरस की सेकेंड वेव आ चुकी है कितने लोग मुतासर हुए हैं पहले तो मैं आपको सॉरी आपकी बात बातें काट रही हूँ नए साल की आपको बहुत मुबारक पेश कर करूँगी कि नया साल में हम दाखिल हो चुके हैं जुमे के बाबर का दिन है आज आ, क्या कैसे देखते हैं नया साल अब, अब जो दो में हम आ चुके हैं असलम सबसे पहले तो आपका बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मधु किया आपको भी नया साल मुबारक हो और सब सारे नाजरन को भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आ, पूरा साल जो 2020 का तो कोरोना में गुजर गया काफ़ी परेशानी लोगों को रही और मुश्किलात भी रही अच्छे दिन भी आए बुरे दिन भी आए लेकिन वो साल गुजर गया शुक्र है कि जितने नुकसान होना था उससे नस्बता कम हुआ अगर हम पाकिस्तान का जायज़ा लें और बाकी दुनिया से उसका ना करें तो बाकी दुनिया से अल्लाह के फजल से और सब लोगों की मेहनत से काफ़ी नस्बता कम नुकसान हुआ अगर आप आम स्टेज से आप डिस्कस करेंगे अगर अब बाकी यूरप देखे अमेरिका देखें तो वहाँ तो रोजाना लोगों की बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो रही हैं बहुत से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो 2020 पूरा साल पूरी दुनिया में कोरोना कोरोना ही की नज़र रहा और सब लोग इसी की बात करते रहे इसी से सारी चीज़ें इफेक्ट हुई लेकिन दो हज़ार नई उम्मीद लेके आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी नई डेवलपमेंट हुई है जिस तरह वैक्सीन आ चुकी है और काफ़ी पहले से बेहतर हालात हैं हमारे पास तो इनशल दो हज़ार इक्कीस uh, जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा कोरोना के हिसाब से और बाकी चीज़ों के मुल्क की तरक्की के हिसाब से अच्छा रहेगा इन शाह इनशा uh, कितने लोग मुतासर हुए ट्वेंटी ट्वेंटी uh, में अब तक uh, ये बीमारी uh, पूरी दुनिया में अस्सी मिलियन से ज़्यादा लोगों को मुतासर कर चुका है तकरीबन आठ करोड़ से भी ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं ये चाइना से शुरू हुआ था वुहान सिटी से और फिर वहाँ से फैलता फैलता पूरी दुनिया में फैल गया क्योंकि ये इन्फेक्शियस वायरस है और एक बंदे से दूसरे बंदे को जल्दी लग जाता है सांस के जरिए और ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है तो आजकल क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है और आज अगर आप कराची में हैं तो कल सुबह आप न्यूयॉर्क में आराम से पहुंच सकते हैं या अगर न्यूयॉर्क में है तो अगले दिन जो है आप कराची आ सकते हैं तो ये बीमारी इस तरह ट्रैवलिंग के जरिए बहुत जल्दी फैलती है तो आठ करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में भी इन्होंने काफ़ी लोगों को मुतािर किया अब तक साढ़े चार लाख से ज़्यादा लोग जो अवेलेबल हैं उसके मुताबिक साढ़े चार लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं जबकि दस हज़ार से ज़्यादा लोगों की अमवात हो चुकी अब पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कराची शहर की अगर हम बात करें सिंध में कराची के हालात भी पूरे पाकिस्तान की तरह मतलब मतलब उसकी पिक्चर पेश कर रहा है लेकिन सिंध के अगर हम देखें तो अच्छी ख़बर और अच्छी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे इकदाम किए हैं और स्टिसटिक्स जो अगर हम देखें तो वो जनवरी में और दिसंबर के आखिर में वो डिक्लाइन पे जा रहा है अगर आप नंबर्स देखें तो वो डिक्लाइन पे जा रहा है और ये एक अच्छी बात है कि टेस्टिंग बढ़ी है लोग जो जो मुतासर हो रहे हैं फ़ौर उसका पता चल रहा है अगर नई स्ट्रेन आई है तो फ़ौर उन्होंने जाके ट्रेस किया और आइडेंटिफाई किया कि ये बंदा जो इफेक्टेड है तो नंबर अगर ज़्यादा आते हैं तो इसका एक, एक प्लस पॉइंट ये था कि ट्रेसिंग ट्रेसबिलिटी अच्छी है टेस्टिंग अच्छी है तो इस वजह से वो पता चल रहा होता है लेकिन अगर आप टेस्ट ना करें और आप कह रहे हैं कि नंबर्स कम हैं तो वो फिर आपको एक पास एक फेक सी न्यूज़ आती है और वो अच्छी चीज़ नहीं है सही अच्छा सही आ, जिस तरह से हम हम 2021 में एंटर हो चुके हैं कि ये साल भी हम मास्क के साथ ही अपना साल गुजारेंगे बिल्कुल कई चीज़ ऐसी लाइफ में चेंजेस करनी पड़ती हैं हर मतलब मुसलसल और जिंदगी है तब्दीली का नाम मुसलसल आप तब्दीली आपके लाइफ में आती है तब जाके आप लाइफ मतलब इंजॉय भी करते हैं और आपको अच्छा भी लगता है कि परमानेंट भी कहते हैं चेंज तो अब ये वायरस जिस तरह आए हैं हमारी जिंदगी में और जिस तरह मुतासर किया है मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वायरस बदलता रहता है वायरस खुद चेंज हो रहा है बिहेवियर चेंज कर रहा है तो हम इंसानों को भी चेंज होना चाहिए क्योंकि पहले उसका जो है, जो है जोर कम था लेकिन अब अब हाँ काफ़ी बढ़ गया तो अब हम उसी उसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हम इंसानों को भी तब्दीली अपने बिहेवियर में लाना चाहिए अगर हम मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हम कहते हैं मास्क बेहतर है आईसीयू के उस ऑक्सीजन मास्क से जब आपको खुदानास्ता बाद में जरूरत पेश आती है अभी आप, आप मास्क पहनेंगे तो आप उससे बच जाएंगे हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे खुदा खास्त आई में जाने से बच जाएंगे और मास्क बहुत सस्ता है पाँच दस रुपये का आता है फिर आपके लाखों रुपये खर्च होंगे तो वो सेहत आपकी अच्छी रहेगी तो मास्क कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं है अच्छी चीज़ है बिल्कुल पहनने चाहिए जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो है एक जो है लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और उसके बाद जो है हम एक अजीब से एक मतलब एक इन्वायरमेंट हो गया था एक एमरजेंसी की सूरत हाल हो गई थी जिसमें मैं सलाम पेश करते हमारे पैरामेडिकल पारे, स्टाफ जो उनकी बहुत ज़्यादा कावशें रही हैं उन वो बढ़ चढ़ के उन्होंने अपने जानों के, के जा, नजराने भी दिए उन्होंने किस तरह से वो अपनी जान को ख़तरे में रखते हुए हमें सेव करते हुए उन्होंने जो है वो अ, 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 मतलब अ, हमें सेव किया अ, हमारे मुल्क को जो है सेफ करने की कोशिशें की उसमें कई हमारे नौजवान जो डॉक्टर्स भी शहीद हुए बात हम करेंगे क्योंकि गुफ्त से हम जारी रखेंगे मैं चाहूँगी इमरान मिज़ान जो है उन्होंने इसके ऊपर क्या नजरसानी की इमरान मिजान का मैं चाहूँगी कि इमरान मिजान

कोविड नाइन्टीन पाकिस्तान में जो है फरवरी में दाखिल हुआ था जिसके बाद लॉकडाउन की सूरत हाल जो है वो लगाई गई थी जिसमें ताली इदारे कारोबार वगैरह सब बंद कर दिए गए थे मगर आ, बीच में जो है कोविड नाइन्टीन को कंट्रोल हम लोगों ने कर लिया था मगर उसके बाद जो है जल से जुलूस जो हुए हैं जिसके बाद एस ओ पी की धज्जियाँ उड़ाई गई एक बार फिर कोविड नाइन्टीन जो है तेजी से फैल रहा है जिसमें हमारे सियासी सहाफी समाजी और हमारे जो फोर्स के जवान जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और अपने छोड़ गए अगर मैं बात करूं आपको 2020 हजार की रवां साल की पुलिस की कारकर्दगी की तो कराची दुनिया का जो है वो सातवां बड़ा और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है वेल कराची वेल। पुलिस ने रवान साल सैकड़ों टारगेटेड और छापामार कार्रवाइयां भी की हैं मजमुई तौर पर जो है बीस हजार एक सौ पचपन मुजिमान को जी गिरफ्तार भी किया गया है जिनमें दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलव दो सौ उनसठ मुजमान भी शामिल हैं निधर शहर में जराइम के दौरान जो डाकुओं और मुलजमान से दो सौ इकतालीस मुकाबले हुए पुलिस के जिसमें कराची पुलिस के पंद्रह अफसरान जो है जवान शाम शादा नोश कर गए चवालीस पुलिस एहलकार मुलमान से मुकाबलों में जख्मी भी हुए और पुलिस ने उनचास डाकुओं और दहशत गर्दों को हिला किया मुलमान से फायरिंग के तबादले के बाद चार सात क्रिमिनल को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया और मुख्तार वारदातों में मुल्जमान के इस्तेमाल मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असला भी बरामद किया गया जिसमें पिस्टल कलाशन कॉप राइफल दस्ती बम और अगर बात करें मंशियात जो हमारे जो यूथ है आजकल बड़ा इसमें मुतासर हो रहा है मंशियात बीमारी है मंशियात फरोशों को भी काफ़ी आ, मैं कहूँगा दस हज़ार के करीब जो है मंशियात फरोश जो है गिरफ्तार हुए जिसमें इनसे जो है भारी मिकदार में चरस हिरोइन आइस क्रिस्टल अफीम जैसी आ, गलीज चीज़ें जो हैं ये इनसे बरामद की गई हैं और मंशियात फरोशों को अदालत से सजाएँ भी दिलवाई गई हैं पुलिस की जानी से अदालत ने तेरह मुलजमान को ज़्यादा से ज़्यादा सजाएँ दी और एक सजाए मौत भी हुआ है मुझसे और चार को उम्र के और अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक के हवाले से तो ट्रैफिक का दो हजार बीस में मैं कहूँगा रवां साल कराची की सड़कों पर जो है एक बार फिर आवाम जो है अपनी जानों का नजराना पेश कर चुकी है रवान साल तो। कराची शहर की सड़कों और शाहरा पर ट्रैफिक हादसा का तसलसल माजी की तर्ज पर ही बरकरार रहा बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मिज़ान आपने हमें जो है रिपोर्ट से आगाह किया सर मैं आपके पास आऊँगी कि करोना वायरस की वैक्सीन बनाने का कहा जा रहा है और कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं तो कब तक ये वैक्सीन आ जाएगी आ, दो हज़ार दो थार के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि वैक्सीन माशाल्लाह आ चुकी है और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पर काम कर रही है और करीब जो है वो आ, आ, मार्केट में अवेलेबल होगी और Uh, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में चाहिए होंगी तो पहले uh, जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर नर्सेज वो फ्रंट लाइनर हैं वो जिस तरह तो आपने अभी बताया कि वो लोग की ज़िंदियाँ बचा रहे हैं तो हमें चाहिए कि वो जो ज़िंदगी बचा रहे हैं उनकी ज़िंदगी बची रहें ताकि वो तम, तमाम लोगों की ज़िंदगी बचा लेकिन अनकरीब विद इन अ मंथ और टू जो है वो वैक्सीन इंशाल्लाह अवेलेबल होगी और उससे ये बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन अंदाजन क्या उसके प्राइस होंगे अब प्राइस तो उसकी काफ़ी है लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा कि जब तक अगर उसको सब्सिडाइज नहीं करेंगे तो आम आवाम उसको मतलब ख़रीदने के मुतहमल नहीं हो पाएंगे और जब तक सारी आवाम को वैक्सीन नहीं लगी तब तक बीमारी को कंट्रोल करना जिस तरह आपने कह रहा मास्क तो फिर मास्क हमारा पीछा नहीं छोड़ी जब तक या तो हम सब लोग वैक्सीन नहीं लगवाते या सब लोग इस बीमारी से शेफ़ायाब नहीं होते तब तक फिर हमें एस ओ पीज़ का अमल करना पड़ेगा वैक्सीन से ज़्यादा मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और मैं मुसलसल इस बात की आवाम को मतलब इसकी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि हमें तीन चीज़ों की चाहे वैक्सीन हो या ना हो तीन चीज़ अगर हम कर लें तो हम इस बीमारी से महफूज़ रह सकते हैं एक जब भी हम पब्लिक में हो या घर से हम बाहर हो तो लाजमी मास्क पहनें जब भी हम इंटरेक्ट करें दूसरे ऑफिस जगह पर तो हमेशा हाथ धोएँ और सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम बेहतर कहते हैं कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय अगर हम फिज़िकल डिस्टेंस कवर यूज़ करें कि इतना फ़ासला रखें क्योंकि बीमारी सांस के ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है तो इतने फ़ासला हो कि जब ड्रॉपलेट गिर रहे हो तो किसी के मुँह पर या चेहरे पर ना गिरें ताकि नहीं। नहीं। वो इन्फेक्ट ना हो अगर ये तीन चीज़ों का हम ख्याल करें तो कोई वजह नहीं है कि हम इवन बगैर वैक्सीन के भी इस बीमारी से बच सकते क्योंकि वैक्सीन आने में और सब लोगों को लगने में काफी टाइम लगेगा तो उससे 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 महीने लग सकते हैं बिल्कुल और ज़्यादा इवन लगेगा कि सब तो. लोगों को लगने में तो क्योंकि इसमें पैसे भी जरूरत है और फिर लॉजिस्टिक भी बहुत ज्यादा जरूरी है फिर अवेलेबिलिटी का भी बड़ा इशू रहेगा तो ये सब के लिए एक वक्त पे अवेलेबल नहीं होंगे बहुत टाइम लगेगा उसमें और अगर खुदा न खास तीसरी वेव आ जाती है तो वो कैसे मुतासर कर सकती है क्योंकि सेकेंड वेव भी हम देख रहे हैं कि वो कितनी शिद्दत की आई है और इस दौरान कोई तीसरी वेव आ जाती है तो वो किस तरह से मुतासर कर सकती है अच्छा ये वेव का कंसेप्ट क्योंकि मीडिया का बहुत अहम रोल है आप लोग बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं और आपके बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर नर्सेस सब और जो है उसके साथ साथ क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब पहली वेव आई और सब लोगों ने मिल काम किया तो वेव को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया, गया लेकिन वहाँ से फिर थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है लोग समझे कि शायद बीमारी ख़त्म हो गई जो कि ऐसा नहीं था नहीं। और हम तनब कर रहे थे कि ये सर्दियों में ये बीमारी फिर जोर पकड़ेगी और वो वही हुआ तो इवन अगर हम वो तीन चीज़ें फॉलो करें स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो तीसरी वेव अगर आ भी जाए तो हम उससे महफूज रख सकते हैं अगर हम ये तीन स्टेप्स और एस फॉलो करें तो अब तक तो ये दूसरी वेब चल रही है और लग रहा है कि ये डिक्लाइन पे जाना शुरू हो जाएंगी दिसंबर के आखिर में और जनवरी तक जो है ये डिक्लाइन तक चली जाएगी तो अगर ये दूसरी वेब अल्लाह के करम से मतलब आराम से गुजर जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती क्योंकि बाकी मुल्कों में बहुत ज़्यादा इसने नुकसान किया तो हमें फिर नेक्स्ट रिलैक्स नहीं होना कि ऐसा ना हो कि फिर उसी तरह जब फर्स्ट वेब फर्स्ट वेव में सेम्बर में हमने मास्क पहना छोड़ दिया पब्लिक गैदरिंग स्टार्ट हुई पोलिटिकल रिलीजन हर तरह की गैदरिंग बड़ी बड़ी गैदरिंग शुरू हुई जिससे इस बीमारी ने जोर पकड़ लिया तो अगर अब ये डिक्लाइन पे चली जाती है तो हमें वो मुसलसल वो मेहनत अपनी जारी रखनी चाहिए और वो एस ओ पी जो कहते हैं बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए कि हम डिस्टेंस के साथ भी बात कर सकते हैं जरूरी नहीं कि हर वक्त हम हाथ मिलाएं और ग्रीटिंग्स के लिए गले मिलें और एहतियात के साथ साथ जिस तरह हमारे मज़हब में भी है कि आप एहतियात करें और एहतियात भी मिस ना म्याान रवि करें बहुत ज़्यादा डर खौब और खौफ भी न हो और जगह और वक्त स्प्रे करते रहें कि ब्लीच मारे अपने उससे एलर्जिक हो लेकिन एक दरमिया रास्ता इख्तियार करें जितना ज़रूरी है फासला उतना रखें और ये तीन स्टेप्स पर अमल करें तो हम बिल्कुल चाहे दूसरी भी रेवायती पर हम कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर जाते जाते तो कोई पैगाम देना चाहेंगे आवाम के लिए मैं आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हमारे पास बहुत चीज़ों की लिमिटेशन है जाए कि हमारे बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क हम नहीं हैं तो वैक्सीन पे अगर हम रिलाई करेंगे और अपना अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो ये बीमारी बहुत देर तक चलती रहेगी तो हमें चाहिए कि अपना हिस्सा इसमें डाल दें और ये तीन स्टेप जो मैंने बताया इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि जब भी हम बाहर निकले मास्क पहनें और हाथ बार बार हाथ धोएं और समाजी फासला या फिज़िकल डिस्टेंस उसका ख्याल रखें तो इन श्ला अब जब सब मिलेंगे मीडिया मिलेगा डॉक्टर्स मिलेंगे आम फोर्स साथ मिलेंगी सारे जो एन जी ओज़ हैं गवर्नमेंट के सारे मिल के काम करेंगे तो इन श्ल्ला इस बीमारी पर हम बिल्कुल काबू पा सकते हैं बिल्कुल थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम का वक्त अख्तितम तो के तरह जाते है, जाते जाते मैं भी आपको ये पैगाम दूँगी कि मास्क जरूर पहने लाश नहीं पहने जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप जो है जैसे आप किसी मॉल के बाहर या आपको मार्ट के बाहर अगर आपको जो बच्चे नजर आ रहे होते हैं मास्क देते हुए उनको ना लें आप उनसे क्योंकि वो यूज्ड मास्क आपको देते हैं और फिर आप उससे आपको ख़तरा हो सकता है दोबारा से करोना का जो है ये फैलने की हो सकता है या साजिश हो या किस तरह से या वो अपने पैसे बचाने के लिए पैसे कमा रहे हों तो ये चीज़ आप एहतियात करें आप किसी भी मेडिकल से जाके आप फार्मेसी से आपको ईजीली वहाँ पर अवेलेबल होंगे आप नया बॉक्स का पूरा पैकेट लें बॉक्स लें आप रखें और वो अपने हाथों से अपने सामने जब आप उसे लगा के निकाल के यूज़ करेंगे ना तो आपको पता कर उसे फॉरन जो है उसको हटा दे उसको जला दे ताकि जो है वो कोई और यूज़ ना कर सके इसी तरह आप जो है ग्लव्स भी यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हैंड सैनिटाइज करें ग्लव नहीं करते गर्मी कर, की वजह से जैसे भी तो आप लोग जो है सैनिटाइज़ करें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें आज का जो टॉपिक आपको यकी दिन अच्छा लगा हो अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा क्योंकि जुम्मे का बाबरकत दिन है आज हम साल का पहला दिन है दो में हम दाखिल हो चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और जो है दुआ करेंगे जिस तरह से हमारी जो पिछला साल गुजरा है वाला जो अब आज जो हमने पहली सुबह साल की हमने ली है अब साल हमारे लिए बहुत अच्छा साबित तो और इस तरह की जो आदमी वबा से जल्द 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 हम गुजर रहे हैं हमें जल्द अज जल्द छुटकारा हम हासिल पाएं इस पर और इसी के साथ अपने मेजबान रहनेता से इजाजत दो हमें हाथ रखिएगा फीडबैक देना ना भूलेगा अल्लाह हाफ़िज